आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में बड़े आसानी से 5 से 10 मार्क स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सीए आशुतोष लिमय और मैं आप सभी का ज्ञान विष्णु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखते हैं लीवरेजेस। की ट्रेंड अगर देखें तो हर एग्जाम में लीवरेज टॉपिक को 5 से 10 मार्क के लिए जरूर पूछा गया है और वैसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सबसे आसान टॉपिक, तो ये मार्क्स हमें सबसे पहले सुरक्षित करने हैं। लीवरेज टॉपिक का ये पहला वीडियो है तो हम इसमें लीवरेज के पूरे बेसिक्स देखें। क्या है लीवरेज, कितने प्रकार होते हैं लीवरेज के, क्या होती है रिस्क, बिजनेस रिस्क के प्रकार कितने, ऐसे ही कई सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में। फाइनेंशियल डिसीजन लीवरेजेस, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज लीवरेज, लीवरेज माने क्या। तो लीवरेज का मतलब इन जनरल ऐसे होता है कि अचीविंग मोर बाय पुटिंग लेस एफर्ट, माने कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट लेना, या उसे हम मिनिमम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेते हैं उसको भी हम लीवरेज बोलते हैं। तो ये इसका जनरल मीनिंग है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप आपकी कार से चार दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चले गए और जैसे आप सिटी के बाहर गए अचानक आपके ध्यान में आता है कि आपकी कार का टायर पंक्चर हो गया। तो आपने आजू बाजू देखा कि कहीं कोई मैकेनिक है क्या कि वो टायर मुझे रिप्लेस करके दे, लेकिन आजू बाजू कोई नहीं है। तो आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि जो स्टेपनी में अच्छा टायर है, माने आपके डिक्की में जो अच्छा टायर है उसको इस पंक्चर टायर के साथ रिप्लेस करने का। तो ये टायर अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको उसके लिए गाड़ी को उठाना पड़ेगा। तो आपने आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग गाड़ी को उठा लो, तब तक मैं पुराना टायर निकाल दूं और नया टायर वहां पे फिक्स करता हूं। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी इतना 250-300 किलो का वजन इतनी देर तक पकड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? तो अपने पास एक बहुत आसान तरीका है कि आप जैक यूज कर सकते हैं। आपके डिक्की में जो जैक होगा तो वो जैक आप यूज करके कम एफर्ट, माने ये जैक सिर्फ आपके कार को आपको लगाना है और उसको प्रेस करके एक बार गाड़ी उसके ऊपर जैक पे आ गई तो फिर आप बड़े आसानी से जो पंक्चर टायर है उसको निकाल के नया जो स्टेपनी का टायर है उसको लगा सकते, माने कम एफर्ट में आपने इतनी बड़ी गाड़ी को बड़े आसानी से होल्ड किया और फिर अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे हमारे को लीवरेज या एडवांटेज मिल गया जैक का, गाड़ी उठाने के लिए और नया टायर रिप्लेस करने के लिए। तो ये तो हम लीवरेज समझ गए। अब रिस्क का और लीवरेज का क्या संबंध है? तो लीवरेज, हाउ लीवरेज एड्रेसेस रिस्क, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क क्या है, व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी और थ्रेट ऑफ लूजिंग और गेनिंग समथिंग वैल्यूएबल। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी वैल्यूएबल चीज को खो दे या आपको गेन हो, प्रॉफिट हो। तो वैल्यूएबल चीज कैसी है? कुछ भी हो सकती है, जैसे आपकी फाइनेंशियल वेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है खुद की, सोशल स्टेटस है आपका। तो इसमें से कोई भी चीज अगर आप खो दोगे, आप लूज करोगे, तो वो अपने लिए रिस्क होती है। तो ये हो गया जनरल रिस्क का मीनिंग। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होती है। बिजनेस रिस्क इसको बोलते हैं कि जो आपने एंटिसिपेट किया है प्रॉफिट, माने मान लो आपने प्रॉफिट एंटिसिपेट किया 10% और उससे अगर प्रॉफिट कम हुआ तो वो हो गई आपके लिए बिजनेस रिस्क, क्योंकि आपने उस 10% के हिसाब से अलग अलग चीजें प्लान की होती है। तो ये आपके लिए हो गया बिजनेस रिस्क। तो ये जो बिजनेस रिस्क है वो दो टाइप में डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। जब हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं या किसी भी बिजनेस को हम लेते हैं तो हर बिजनेस में रिस्क होती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस रिस्क कम ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें रिस्क नहीं है। अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती है, माने अगर आप देखो तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में रिस्क ज्यादा है फार्मास्यूटिकल बिजनेस से, या फार्मास्यूटिकल बिजनेस में रिस्क ज्यादा है रिटेल बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस रिस्क चेंज होती है। तो ये ऑपरेटिंग रिस्क है क्या? तो ऑपरेटिंग रिस्क माने ऐसी रिस्क जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से
बिजनेस में अराइज होती है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माने कौन से एक्सपेंसेस, जैसे कि रेंट, सैलरी, डिप्रिसिएशन। हालांकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, लेकिन वो मेरे पीएनएल को डेबिट होता है, तो उसको भी हम एक्सपेंस बोल के अभी ट्रीट करेंगे। तो ये रिस्क क्यों है मेरे लिए? मान लो आपने कुछ भी सेल नहीं किया या आपका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, फिर भी आपको रेंट तो देना ही है। जगह पे आपका बिजनेस है, उस जगह का रेंट आपको देना ही है। जो मिनिमम आपका स्टाफ है उसकी सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, भले आपका सेल हो या ना हो। तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग रिस्क आपको पहले दिन से चालू हो जाएगी, और रेवेन्यू शायद पहले दिन से चालू होगा या नहीं भी होगा। तो ये है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दूसरी होती है फाइनेंशियल रिस्क। देखो, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट है, माने बिजनेस में जो आपने पैसे लगाया है उसमें से कुछ पैसा अगर आपने डेट से लगाया है, डेट माने आपने कुछ डिबेंचर इशू किए या लोन लिया है, तो उसकी वजह से आपको एडिशनल रिस्क आती है। क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपको लोन तो रिपेमेंट करना ही है, और उसका जो रेगुलर इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो भी आपको रिपे करना है, तो ये भी एक आपके लिए रिस्क आ गई। अब ये रिस्क किन लोगों को आती है या किस कंपनी में आती है? तो वो सिर्फ ऐसे ही कंपनी में आती है कि जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट। अगर हम ये एग्जांपल देखें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का, तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है वो सिर्फ बी लिमिटेड में आएंगी, क्योंकि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में 50 लाख इक्विटी से है और 50 लाख डेट से है, तो ये डेट की वजह से ये एडिशनल रिस्क आता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि बिजनेस रिस्क में की जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो हर बिजनेस को आएगी ही, कम ज्यादा हो सकती है लेकिन हर बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क रहेगी। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो सिर्फ ऐसे ही बिजनेस को आएगी कि जिसमें डेट से फाइनेंसिंग हुआ है। अगर किसी बिजनेस में डेट से फाइनेंसिंग नहीं हुआ है तो उसे फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएगी। तो अभी तक हमने रिस्क कम है ज्यादा है ऐसे ही बोला, तो इस रिस्क को मेजर कैसे करते हैं तो वो अब हम देखते हैं। लेकिन वो समझने के लिए सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। देखो, लीवरेज टॉपिक में इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका है, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले सेल्स में से जाता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके एक्टिविटी के अनुसार वो कॉस्ट चेंज होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल आता है, लेबर आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके सेल्स से या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। और वेरिएबल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाने के बाद जो बचता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम जब फिक्स कॉस्ट हटाते हैं, अब ये फिक्स कॉस्ट कौन सी है? तो ये फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट होती है, जैसे कि रेंट है, सैलरी है या डिप्रिसिएशन है, ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से अगर हम घटा दे तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, जो बचता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया है, तो ये इंटरेस्ट माने फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये किस इसमें आएगी, किस कंपनी में आएगी? तो जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एलिमेंट है। तो एक बार ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटाने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माने अब जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो टैक्स को हटाने के बाद, माने टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो प्रॉफिट अवेलेबल है ओनर्स के लिए। अब ये जो पैट है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कुछ है, माने आपको मालूम है कि ओनर्स के दो तरह के शेयर होल्डर रहते हैं, पहला होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर माने उनको पहला प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड पेमेंट में। तो उनका डिविडेंड हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट का, उसको हम बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये प्रॉफिट में से किसी का भी शेयर नहीं बचा, माने सबको दे दिया हमने डेट को उसका इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को भी उनका डिविडेंड दे दिया। तो अभी जो प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर पूरी तरह से किसका अधिकार है? तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो इस प्रॉफिट पे पूरा अधिकार किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा कि हर इक्विटी शेयर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ईपीएस। तो ये बेसिक है
लिवरेज टॉपिक के लिए इनकम स्टेटमेंट का। अब हम देखते हैं कि लिवरेज के प्रकार कौन से अलग अलग टाइप है लिवरेज के। तो सबसे पहले है ऑपरेटिंग लिवरेज। ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों अराइज होता है? तो ये अराइज होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। तो हम ऑपरेटिंग लिवरेज, ये क्या है? ये प्रपोर्शन है कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट। माने अगर आप देखो तो कॉन्ट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक जो प्रॉफिट का मूवमेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ है? तो वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हुआ है। तो इन शॉर्ट ऑपरेटिंग लिवरेज ये प्रपोर्शन है कॉन्ट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में का। तो ये हमें दिखाता है कि क्या प्रपोर्शन से इसमें चेंज हो रहा है। उसके बाद दूसरा तरीके का जो लिवरेज है तो वो है फाइनेंशियल लिवरेज। ये फाइनेंशियल लिवरेज क्यों अराइज होता है? ये अराइज होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से। माने ईबीआईटी और ईबीटी में का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किस वजह से होता है, या ईबीआईटी कम क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनका प्रपोर्शन, माने ईबीआईटी और ईबीटी का जो प्रपोर्शन है या जो चेंज है, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज इन शॉर्ट क्या है? तो प्रपोर्शन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईबीट, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद जो लास्ट तरीके का लिवरेज है वो है कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज माने कॉन्ट्रीब्यूशन से अर्निंग बिफोर टैक्स तक जो मूवमेंट हुआ है वो टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट माने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो कंबाइन लिवरेज इन शॉर्ट क्या हो गया? तो प्रपोर्शन बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स। या उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये है बेसिक अबाउट लिवरेजेस। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने ज्ञान विष्णु सी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके हमारे वीडियो के बारे में कुछ सुझाव है, सूचनाएं हैं, प्रश्न हैं या शंकाएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पे वीडियो बनाएं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा मेल आईडी है dhyanavishnucaa@gmail.com। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।